उन्नाव रेप मामले में विधायक गिरफ्तार। सीबीआई ने देर रात घर से दबोचा। आज सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी। जिस रेप के आरोपी को यूपी पुलिस पूरे 11 महीने तक आजाद छोड़े रखा, उसी विधायक को सीबीआई ने केस हाथ में लेते ही धर दबोचा। पूरे 11 महीने बाद उन्नाव रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सरकारी मेहमान बनाए गए। देर रात लखनऊ से बीजेपी विधायक को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार विधायक कुलदीप सेंगर सीबीआई के शिकंजे में आ चुके हैं। इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है। सुबह 4:30 बजे कुलदीप सेंगर को उनके लखनऊ के घर, जो इंदिरा नगर में उनका अपना घर है, निजी घर है, वहां से उन्हें सीबीआई ने उठाया है और उन्हें लेकर मुख्यालय आई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीबीआई की टीम आज कोर्ट में पेश करेगी। यानी आज विधायक सीबीआई रिमांड में भेजे जा सकते हैं, जहां पहली बार उनसे पूछताछ होगी। सर, थोड़ी देर पहले, अभी 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे पहले ले आए थे सर, और हमने तो खुद ही मांग करी थी, क्योंकि सीबीआई देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि सीबीआई के थ्रू सच सामने आएगा, हमें न्याय मिलेगा। यूपी पुलिस ने विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप के साथ साथ पॉक्सो का मुकदमा ठोका है। किसी आम बदमाश पर इन धाराओं पर केस हो जाए तो पुलिस उसे पताल से खोज लाती, लेकिन यूपी पुलिस सियासी रसूख के आगे नतमस्तक दिखी। यूपी सरकार ने कल बड़ी होशियारी से मामला सीबीआई को देते हुए विधायक को अभयदान दिया था। द मोमेंट वी सेंड द रिपोर्ट एंड द सीबीआई टेक्स ओवर द केस, उसके बाद सीबीआई अपने गुण दोष के आधार पे, जो भी उनके पास साक्ष्य होगा उस आधार पे विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, चाहे वो अरेस्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो। लेकिन सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोई मोहलत नहीं दी। केस हाथ में लेने के महज कुछ घंटे बाद ही विधायक हवालात पहुंच गए। जाहिर है पीड़ित परिवार राहत की सांस लेगा। गिरफ्तारी हो गया, अच्छे की बात है भाई। हाँ। गिरफ्तारी तो जरूरी था, गिरफ्तारी इसलिए जरूरी था कि मैंने यहाँ पर वो उनके डर से कोई बोलता भी नहीं था, गिरफ्तारी एकदम जरूरी था उनकी। अब आज विधायक से रेप कांड में पूछताछ होगी। खाकी और खादी के गठजोड़ ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाए रखा, लेकिन सीबीआई वर्दी नहीं पहनती। शायद यही वजह है कि उसे कार्रवाई करने में देर नहीं लगी। सादी पुलिस ने अपना काम कर दिखाया।